हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अखिलेश अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हाजिर हैं हम एक पॉलिटी के शॉर्ट ट्रिक के साथ। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, देखिए अक्सर क्या होता है पॉलिटी में, इतनी सारी चीज़ें हैं, शेड्यूल हैं, आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, सारी चीज़ें आपको याद नहीं रह पाती हैं। तो कुछ ट्रिक्स के साथ हम आज यहां पर बात करेंगे, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप फटाफट शेड्यूल से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर लेंगे। क्योंकि हम डिस्कस कर क्या करने जा रहे हैं, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ऑसम ट्रिक टू रिमेंबर शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी संविधान में अनुसूचियां हैं उनको याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक। देखिए संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां और इसमें जोड़ दी गई। तो पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि 12 अनुसूचियां हैं, शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। अब क्या ट्रिक है इसकी, बहुत अच्छी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं और इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत लंबा सेशन नहीं है। फटाक से एक ट्रिक की बात करते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, ये बस याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या बिठाना है दिमाग में, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बिठा लीजिए दिमाग में। ये आपके सारे के सारे शेड्यूल जो है याद करा देगा, जितने 12 शेड्यूल हैं 12 के 12 याद करा देगा। आप कैसे याद करा देगा बता देता हूं मैं आपको। देखिए टीयर्स, मैंने पहले बताया ना, ये टीयर्स याद करिए। देखिए टी का मतलब टेरिटरी याद कर लीजिए, टी का मतलब क्या याद कर लीजिए, टेरिटरी। देखिए जब हम शेड्यूल वन की बात करते हैं तो शेड्यूल वन में क्या है, शेड्यूल वन में है जितने भी भारत में राज्य हैं उनके क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन है, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन है। तो टी से टेरिटरी याद कर लीजिए, ई से एमलमेंट्स। देखिए जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, लोकसभा के अध्यक्ष हों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, तो इनको जो वेतन वगैरह दिया जाता है वो कहां पर मेंशन है, शेड्यूल टू में मेंशन है। देन ए से क्या याद कर लीजिए, अफर्मेशंस या ओथ, मतलब पद और गोपनीयता की शपथ। देखिए जितने भी नेता लोग जब भी अपने पद पर जाते हैं तो पद पर जाने से पहले वो शपथ लेते हैं, आप देखते हैं ओथ सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर, तो वो जो ओथ लेते हैं वो कहां पर डिस्क्राइब है, शेड्यूल तीन में। देन शेड्यूल चार की बात कर लीजिए, आर से मतलब है राज्यसभा। शेड्यूल फोर में चौथी अनुसूची में हम बात करते हैं आबंटित सीटों की, किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में आबंटित की गई हैं, ये हम डिस्कशन करते हैं चौथी अनुसूची में। एस शेड्यूल एरियाज, एस से आपको याद रखना है शेड्यूल एरियाज, यहां पर हम बात करते हैं पूरे भारतवर्ष के जो शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित सभी प्रावधानों को किसमें रखा गया है, पांचवी अनुसूची में रखा गया है। छठी अनुसूची की बात कर लीजिए, अब देखिए टीयर्स हो गया हमारा, टीयर्स के बाद ऑफ याद कर लीजिएगा, ओ एफ, ओ का मतलब है अदर शेड्यूल ट्राइब, अदर शेड्यूल ट्राइब कहाँ की, ये एक ट्रिक और याद रख लीजिएगा, ए टी एम एम। आपको यहाँ बेसिकली ए टी एम याद रखना है, दिमाग में आपको ए टी एम रखना है, एक एम अपने आप जोड़ लीजिएगा। अब ए टी एम का मतलब क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, कितने राज्य हैं, चार राज्य हैं। इन चार राज्यों की जो शेड्यूल ट्राइब है इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान कहाँ पर लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं छठी अनुसूची में। तो ये सिक्स्थ शेड्यूल हो गया हमारा। सेवेंथ शेड्यूल क्या है, फेडरल प्रोविजंस। देखिए एफ से मतलब यहां पर फेडरल प्रोविजन, यहां पर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स की, किसके किसके बीच में, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो तीन सूचियां हैं यहां पर, एक को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक को कहते हैं स्टेट लिस्ट, एक को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में बात कर लें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में शक्तियों का विभाजन बताया गया है। तो ये कहां पर है, संविधान की सातवीं अनुसूची में। ओ का मतलब यहां पर हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, मतलब संविधान की आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं को अधिकृत करती है, अथोराइज करती है। देन अब एल का मतलब यहाँ लैंड रिफॉर्म हो गया, हम नवीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, जो कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई, 1951 में ऐड करी गई लैंड रिफॉर्म्स। यहाँ पर जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था उससे, और यहाँ पर जो प्रावधान रखे गए उनको न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था, मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल हो गए, नॉन इन्फोर्सिएबल हो गए बाय द कोर्ट। तो एल। डी का मतलब डिफेक्शन याद कर लीजिएगा, डिफेक्शन इस
ये दसवीं अनुसूची है और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया। इसमें हम क्या बात करते हैं, दल बदल संबंधी जो प्रावधान हैं हम उनकी बात करते हैं। जब भी कोई एक व्यक्ति अपने जिस चुनाव चिन्ह से वो चुनाव लड़ता है अगर उसका परित्याग कर देता है तो उससे संबंधित बात हम कहाँ पर करते हैं, दसवीं अनुसूची में। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉस से संबंधित है। देन पी का मतलब याद कर लीजिएगा, पंचायत। ग्यारहवीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन, और इसमें हम किसकी बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं। देखिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की जब बात होती है तो इन्हें हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। स्थानीय सरकार हमारे देश में दो प्रकार की हैं, एक है स्थानीय ग्रामीण सरकार जिसे हम रूरल लोकल गवर्नेंस कहते हैं, तो उसका वर्णन 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज में किया गया है। और 12वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। और इसको कब जोड़ा गया, संविधान के 74वें संशोधन के साथ। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, बस आपको एक बात याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इतना याद कर लीजिए, आपको 12 की 12 अनुसूचियां याद हो गई और एक नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपका इससे नहीं रुकेगा। सो गाइज अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए, हम ऐसी और भी ट्रिक्स आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।